हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि मेरे पास अगर दो लिस्ट है एरे की तो उसको मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा और साथ ही साथ उसका सम भी प्रिंट करवाऊंगा, दोनों का एडिशन करके, ए लिस्ट का और बी लिस्ट का, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो पहले समझते हैं कि मुझे करना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट मेरी साफ है क्या कि मुझे दो एरे लिस्ट क्रिएट करनी है। अब उसमें नंबर कितने लेने हैं, 5, 6, 10, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम मान के चलते हैं कि मुझे 5 नंबर की लिस्ट क्रिएट करनी है ए और 5 की ही करनी है बी। तो उसका जो आंसर आया कुछ इस तरह से है, फॉर एग्जाम्पल कि ए लिस्ट है और ए लिस्ट में वैल्यू पड़ी है मेरे पास 10, 10, 10, 10 एंड 10। और अगर हम बात करते हैं बी लिस्ट की तो बी में पड़ा है 20, 20, 20, 20 एंड 20। तो आंसर कुछ इस तरह से है, कैसे, ए बी और सी। तो सी नहीं, टोटल। तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है 10, बी की क्या है 20, तो दोनों का सम क्या आएगा 30। इसी तरह नेक्स्ट वाली वैल्यू सेम 10, 20, 30, फिर 10, 20 एंड 30, उसके बाद फिर 10 एंड 20 और फिर 30 और फिर 10 फिर 20 और फिर दोनों का सम 30। तो ये जो है ना मेरी आउटपुट, मुझे आउटपुट कुछ ये वाली चाहिए, ठीक है। तो ये है आज का प्रोग्राम। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा, मुझे दो लिस्ट क्रिएट करनी है, कौन कौन सी, एक ए और एक बी। तो मैं यहाँ पे लूँगा एरे वेरिएबल इंटीजर लाइक ए 5, 45 गलत हो गया, ए 5 और फिर बी 5। अब अगर आपने दोनों को स्टोर करवाना है तो मुझे सी लेना पड़ेगा, लेकिन अगर स्टोर नहीं करवाना तो मैं बिना स्टोर के ये भी कर सकता हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं स्टोर नहीं कर रहा, मैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल इसको करने वाला हूँ। चलिए ले चलता हूँ आपको वीएस कोड एडिटर के ऊपर। यहाँ पे मैंने लिया फाइल, न्यू फाइल, टेक्स्ट फाइल, उसके बाद लैंग्वेज सी लैंग्वेज, और फाइल को करता हूँ सेव। और यहाँ पे मैंने यहाँ क्या लिया, लाइक एरे लिस्ट सम, ये प्रॉब्लम का नाम दे दिया मैंने एरे लिस्ट सम। आपका जो भी मन करे वो नाम आप दे सकते हो अपने प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड करेंगे अपनी लाइब्रेरी। इंक्लूड करने के लिए हैश stdio.h विच मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया कंपाइलर फंक्शन इंटीजर मेन और ये ब्लॉक किया स्टार्ट। ब्लॉक स्टार्ट करने के बाद मुझे क्या लेना है, दो लिस्ट लेनी है, तो मुझे पहले डिक्लेयर करना होगा वेरिएबल। तो मैंने लिया इंटीजर ए जिसका साइज है 5 और फिर लिया मैंने बी जिसका साइज है 5 और साथ में लिया मैंने एक आई वेरिएबल। आई मैंने क्यों लिया, लूप के लिए। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं दोनों का सम स्टोर नहीं करवाऊंगा तो मैं उसके बिना करने वाला हूं, तो मुझे सी की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, पहले मैं यूजर को प्रॉम्प्ट करूंगा कि यूजर को करना क्या है। तो मैंने यहाँ पे लूप लगाया आई इज इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन इक्वल टू 4 आई प्लस प्लस। प्लस प्लस करने के बाद यहाँ पे मैंने ब्लॉक स्टार्ट किया और इसके बाद मुझे करवाना है प्रिंट यूजर के लिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, प्रॉम्प्ट देता हूँ यूजर को कि एंटर वैल्यू एट परसेंटेज डी लोकेशन, ठीक है, ताकि यूजर को पता लगे मुझे करना क्या है। तो यूजर की लोकेशन देनी है मुझे, तो यहाँ पे आई की वेरिएबल आ जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि आई हमारा काउंटर वेरिएबल है विच मीन्स लूप वेरिएबल है। तो पहले आई की जगह पर यहाँ पे 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से। और स्कैन करना है तो स्कैन एफ करेंगे परसेंटेज डी, और कहाँ पे स्कैन करें, एड्रेस ऑफ एन के आई एलिमेंट में, मीन्स पहली बार वो स्कैन करेगा एन के 0 पोजिशन पे, फिर 1 पे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, चलता रहेगा ऐसे ही। और ये हमारा हो गया ए लिस्ट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं यहां पे प्रिंट करवा देता हूं क्या, एंटर एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट, ताकि यूजर को पता लगे। उसके बाद मैं कर देता हूं स्लैश एन। अब ये तो हो गया ए, इसको मैं कर लेता हूं कॉपी पेस्ट, स्मार्ट वर्क। तो मुझे अब बी को लेना है, तो मैंने यहां पे ले लिया एंटर वैल्यू ऑफ बी। सिर्फ वो चेंज क्या करने होंगे, सिंपल यहां पे करना होगा बी की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे मैंने एन लिया ना, एन की जगह मैं यहाँ पे करूँगा ए, क्योंकि मेरा एन वेरिएबल नहीं है बल्कि ए वेरिएबल है, ठीक है। तो मेरा पहला हो गया ए में स्कैन, दूसरा हो गया मेरा बी में स्कैन। अब मुझे इसका सम प्रिंट करवाना है अलॉन्ग विद इट्स वैल्यू ऑफ टू एरेज। तो वो कैसे होगा, मैं अगेन यहाँ पे लूप लगाऊंगा आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस। उसके बाद मुझे प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ पे लिया प्रिंट एफ एंड बैक स्लैश एन। तो पहले आएगा परसेंटेज डी, फिर आएगा स्पेस देके परसेंटेज डी, फिर आएगा स्पेस देके परसेंटेज डी। तो ये तीन मेरी वैल्यूज होगी।
अब तीन हो गई, तो यहाँ पे क्या आए, पहली जगह पर आए ए का आई एलिमेंट, दूसरे में क्या आए बी का आई एलिमेंट, और तीसरे में क्या आए ए का आई एलिमेंट प्लस बी का आई एलिमेंट मीन्स दोनों का सम। ठीक है, मैं इसको करता हूँ सेव। अब क्योंकि मुझे ऊपर लिखना भी था, जैसे मैंने आपको बताया था ये कि ए बी एंड टोटल, तो उसके लिए मुझे अलग से प्रिंट करना होगा। मैं यहाँ पे करता हूँ ए बी और टोटल एंड सेमीकोलन। तो मैं इसको करता हूँ अब सेव, कंट्रोल एस एंड देन एग्जीक्यूट। अभी पूछ रहा है एंटर वैल्यू ऑफ ए लिस्ट, एंटर वैल्यू एट जीरो लोकेशन, मैंने दिया 10, वन लोकेशन 10 सॉरी 20, फिर 10, फिर 10 एंड फिर 20। अब पूछ रहा है एंटर एलिमेंट ऑफ बी लिस्ट, तो मैंने दिया 10, जो ए के थे वही दे देता हूँ मैं, ये चलो चेंज कर लेता हूँ 30, 25, 16 एंड 100। तो आप चेक कीजिए ए में क्या था, 10, 20, 10, 10, 20 मीन्स 10, 20, 10, 10, 20, देखिए 10, 20, 10, 10, 20 राइट, और बी में क्या था 10, 30, 25, 10, 30, 25, 16, 100, 16, 100, दोनों का सम किया 10 और 10, 20, 20 और 30, 50, 10 और 25, 35, 10 और 16, 26 और 20 और 100, 120। तो ये आपका आ गया दो नंबर का सम, जो मैंने आपको बताया डेमोस्ट्रेट करके कि अगर मैं लिस्ट के अंदर एलिमेंट ले रहा हूँ तो उसके ऊपर मैं किस तरह से कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता हूँ। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ के लिए। सो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो वही मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियोज़ लाने के लिए आप लोगों के समक्ष। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।